टीवीएल कोचिंग सेंटर बाजार भिट्टी जिला छपरा सारण बिहार वर्ग 12 विषय भौतिकी एनसीईआरटी पैटर्न का चैप्टर वाइज स्टडी के लिए टीवीएल कोचिंग जो मेरा चैनल है उसे सब्सक्राइब करें। आज से मैं प्रतिदिन आप सभी के लिए चैप्टर वाइज फिजिक्स नोट्स लाऊंगा। जैसा कि हम यहां सामने देख रहे हैं वर्ग 12 विषय फिजिक्स अध्याय 1 चैप्टर 1 जो जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो एनसीईआरटी पैटर्न पे हम चैप्टर वाइज आप सभी को कराएंगे। फर्स्ट पॉइंट है विद्युत इलेक्ट्रिक क्या है, धारा जिसे हम इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत या बिजली कहते हैं। जैसे पंखा चलता है, बल्ब जलता है, सब में बिजली की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्थिर विद्युत क्या है, विद्युत की वह शाखा जहां आवेश को सुरक्षित पात्र के द्वारा भेजा जाता है, यानी विद्युत की वैसी शाखा जिसे आवेश को सुरक्षित पात्र यानी बर्तन के द्वारा भेजा जाता है उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। जैसे हमें हम सेल कंडेंसर पढ़ सकते हैं, सेल का प्रयोग घड़ी बल्ब आदि को जलाने के लिए किया जाता है। कंडेंसर का प्रयोग अधिकांश पंखा में होता है जो पंखा की स्पीड को नॉर्मल या हार्ड करते रहता है। इस तरह हम आगे देखेंगे विद्युत की परिभाषा तीन तरह से दी जा सकती है। इलेक्ट्रिक की डिफिनेशन हम तीन तरह से दे सकते हैं। फर्स्ट डिफिनेशन है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत कहते हैं। याद रखना है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वह हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में प्रवेश करता है। आगे हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर, सेकंड डिफिनेशन है विद्युत का इलेक्ट्रिक का आवेश प्रवाह की दर को विद्युत कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत कहते हैं। एक इक्वेशन 11th क्लास में पढ़ना था, 10th में पढ़ना था, Q बराबर IT, जहाँ Q बराबर आवेश, I बराबर धारा और T बराबर समय होता है। सामने देखेंगे यहाँ पे यदि Q बराबर IT है तो यदि ये T इधर मल्टीप्लाई में इधर रहेगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो I बराबर हो गया Q बाई T। तो Q मतलब क्यू आवेश, आवेश का ऐसी मात्रक होता है कूलम्ब, और समय T यानी समय, समय का ऐसी मात्रक होता है सेकेंड। कूलम्ब का संगत C होता है, सेकेंड का संगत सेकेंड ऐसी C। अब यहाँ पे पावर में 1 छुपा हुआ है, यदि हम उसको ऊपर लेके जाते हैं तो पावर में प्लस 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा, चिन्ह जो होगा निगेटिव होगा बाकी हुई रहेगा। प्लस होगा ऊपर नीचे करेगा तो प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, ऊपर नीचे करेगा माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, तो सी सेकेंड इन्वर्स। इसको हम सी प्रति सेकेंड भी कह सकते हैं, मतलब कूलम्ब प्रति सेकेंड। कूलम्ब प्रति सेकेंड को हम एम्पियर ही बोलते हैं, यानी कहने का मतलब ये है विद्युत धारा को हम एम्पियर से सूचित करते हैं। आगे देखेंगे इस तरह आवेश का ऐसी मात्रक कूलम्ब तथा विद्युत धारा के ऐसी मात्रक एम्पियर है, इससे ये हमें पहले से ही ज्ञात है। आगे एक फैराडे नामक वैज्ञानिक ने इसको साबित किया था। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम्ब होता है, ये क्वेश्चन पिछले बार एग्जाम में आया था 1 मार्क्स में, जहां एफ बराबर फैराडे को एक क्वेश्चन बनता है। इतना थ्योरी पर हम एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक कूलम्ब आवेश को से कितने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, ये क्वेश्चन एक नंबर में आ सकता है। एक कूलम्ब आवेश से कितने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, मतलब एक कूलम्ब आवेश में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको ज्ञात करना है, चूँकि क्यू बराबर एनी होता है, क्यू बराबर एनी फार्मूला होता है, जहाँ क्यू जो है आवेश है, एन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ई बराबर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो यदि क्यू बराबर एन ही है तो एन निकालेंगे तो ई इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, तो एन बराबर हो गया क्यू बाई ई। क्यू बराबर 1C, एक कूलम यहाँ पर दिया हुआ है, क्यू बराबर 1C एक कूलम दिया हुआ है, आवेश बराबर एक कूलम तथा एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6×10⁻¹ कूलम होता है, ये हमें पहले से ज्ञात है। तो मान प्रूट करेंगे क्यू बराबर, क्यू की जगह पर लिखेंगे 1
और ई के जगह पर इसका मान लिखेंगे 1.6 × 10⁻¹⁹। अब वन में 10⁻¹⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। अब 10⁻¹⁹ को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 × 10⁻¹⁸। इस दोनों को ऐड करेंगे फिर गुनाह बेस सम जब बेस सेम रहता है तो गुनाह पावर को जोड़ते हैं तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर 19 हो जाएगा। तो 1.6 में 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6.25 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन। याद रखना है, टिक लगाना है, क्वेश्चन आएगा तो एक कूलम आवेश से कितने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, टिक करना है 6.25 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन, सवा 6 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन आ गया। अतः एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6.25 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन।